गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स जैसे कि जियो में हमने जो है सेकेंड लेसन स्टार्ट किया हुआ है जिसका नेम है द औरिजन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ उसमें हमने अर्थ की फॉर्मेशन के बारे में रीड किया स्टार फॉर्मेशन के बारे में रीड किया इंफॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स के बारे में री, रीड किया था ओल्ड थ्योरीज एंड मॉडर्न थ्योरीज के बारे में रीड किया आज हम एक न्यू टॉपिक जो है स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ आर सोलर सिस्टम द सन इट्स एट प्लैनेट्स दे आर सैटेलाइट कोल्ड मूनस एस्ट्रॉइड्स कॉमेट्स एंड ही क्वान्टिटी ऑफ डस्ट ग्रेन एंड गैसेज फॉर्म अ कंप्लीट फैमिली नोन है सोलर सिस्टम मतलब जो सन है उसके एट प्लेट्स जो हैं उसमें देर सेटेलाइट कोल्ड मून्स और उनकी सेटेलाइट को बोला जाता है मून्स एस्ट्रॉयड्स कॉमेट्स ये सब मिलकर जो है एक फैमिली बनाते हैं जिसको क्या कहते हैं हम सोलर सिस्टम अब ब्रिफ समरी ऑफ द सोलर सिस्टम इज गिवन इन टेबल टू पॉइंट वन आपको यहाँ पर टू पॉइंट वन टेबल जो दी हुई है उसमें ब्रिफ समरी है किसकी सोलर सिस्टम की वो हम देखेंगे टू पॉइंट वन टेबल में सबसे पहले आपको यहाँ पर प्लेनेट के नेम दिए हुए हैं कितने प्लेनेट थे एट प्लेनेट मर्क्यूरी वीनस अर्थ मार्स जुपिटर सेटन यूरेनस एंड नेपच्यून इसमें उसके बाद जो सेकेंड कॉलम है इसमें क्या है एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन इन सबका सन से कितने डिस्टेंस है कितनी दूरी पर है ये वो आपको दिया गया है उसके बाद है डायमीटर इन किलोमीटर इसमें आपको जो है मेज़रमेंट करके बताया गया ड्यूरेशन ऑफ़ रोटेशन कितनी जो है कितने टाइम की रोटेशन होती है वो क्लियर किया गया ड्यूरेशन ऑफ़ रिवोल्यूशन यहाँ पर आपको रिवोल्यूशन का टाइम जो है क्लियर किया गया नंबर ऑफ सैटेलाइट्स एंड नेम्स ऑफ मेजर सैटेलाइट्स यहाँ पर आपको नंबर ऑफ़ सैटेलाइट्स एंड नेम जो है सेटेलाइट्स के बताए गए हैं उसके बाद है एवरेज टेम्परेचर यहाँ पर कितना जो है टेम्परेचर रहता है वो क्लियर किया गया है स्पीड ऑफ रिवोल्यूशन इन किलोमीटर रिवोल्यूशन की कितनी स्पीड रहती है वो यहाँ पर क्लियर की गई है डेट ऑफ डिस्कवरी और किस टाइम पर जो डिस्कवरी हुई थी वो यहाँ पर आपको क्लियर की गई है तो ये आपने टेबल जो है रीड करनी है जिसमें आपको प्लेनेट के बारे में सब क्लियर हो जाएगा कि कितना डिस्टेंस है अब जैसे मरकरी फर्स्ट हम एग्जाम्पल लेते हैं मर्कुरी का तो Mercury का जो है फिफ्टी एट आपको यहाँ पर इन मिलियंस किलोमीटर डिस्टेंस दिया गया है फ्रॉम द सन आफ्टर द डायमीटर इन किलोमीटर डायमीटर में फोर्टी नाइन हंड्रेड जो है किलोमीटर आपको दिया हुआ है मर्क्यूरी के बारे में एंड डूरेशन ऑफ रोटेशन जो रोटेशन का टाइम है वो है फिफ्टी नाइन डेज किस की बात कर रहे हैं हम मर्क्यूरी की डूरेशन ऑफ रिवोल्यूशन रिवोल्यूशन का जो टाइम है वो है एटी एट डेज एंड सैटेलाइट में नहीं है उसके बाद है एवरेज टेम्परेचर यहाँ पर जो मेन एवरेज टेम्परेचर रहता है कितना रहता है फोर्टी हंड्रेड डिग्री सेल्सियस एंड माइनस वन सेवेंटी डिग्री सेल्सियस ये है पार्ट फेसिंग सन जो सन को फेस करता हुआ पार्ट बिहाइंड सन सन से बिहाइंड ओके सन के बिहाइंड माइनस सेवेंटी डिग्री सेल्सियस एंड फेसिंग सन जहाँ पर सन को फेस कर रहा है वो है फोर हंड्रेड डिग्री सेल्सियस उसके बाद जो है स्पीड ऑफ रिवोल्यूशन जो रिवोल्यूशन की स्पीड है फोर्टी सेवन पॉइंट नाइन एंड डिस्कवरी डेट ऑफ डिस्कवरी प्री हिस्टोरिक टाइम्स क्लियर तो ऐसे ही आपको जितने भी यहां पर प्लेनेट्स हैं उन सब के बारे में क्लियर इंफॉर्मेशन दी गई है तो आपने ये टेबल अच्छे से रीड करनी है इसके बारे में जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर करने हैं इसके बाद है इट इज क्लियर फ्रॉम द टेबल दैट द प्लेनेट्स डिफर इन देयर साइजेज कॉन्स्टिटुएंट मैटर टेम्परेचर एंड ड्यूरेशन ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द सन इट मीन्स कि जो हमने टेबल अभी रीड की थी 2.1, उससे हमें क्लियर हो जाएगा कि जितने भी प्लेनेट्स हैं वो अपने साइज़ में कॉन्स्टिटुंट मैटर में या टेम्परेचर में एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं These differences are because of difference in distance between the sun and the different planets. और ये जो differences हैं वो किस वजह से हैं क्योंकि sun से जितना distance है अब एक planet का sun से जितने distance पर वो है उसकी वजह से difference आ जाता है दूसरे planet से and the different planets और planets भी अलग अलग हैं Mercury है Venus, Earth and Mars are near the sun. ये जो planets हैं Mercury, Venus, Earth and Mars ये sun से बिल्कुल नज़दीक हैं and इन्हें बोला जाता है inner planets. जो नज़दीक हैं जो नियर हैं सन के उन्हें बोला जाता है इनर प्लैनेट्स जुपिटर सैटर्न यूरेनस एंड नेपच्यून आर फार अवे फ्रॉम द सन और ये जो प्लैनेट्स हैं वो सन से दूर हैं फार अवे फ्रॉम द सन आर नोन एज आउटर प्लैनेट्स जो पास में हैं उनको इनर और जो दूर हैं, उन्हें आउटर प्लान सम प्नेट्स लाइक मर्क्यूरी वीनस एंड मार्स आर सोलिड लाइक आर अर्थ मतलब ये जो थ्री आपको बताए गए हैं ये प्लैनिट जो हैं वो हमारे अर्थ की तरह सोलिड है दीज आर कोल्ड टेरिस्ट्रियल प्लानट्स सम प्लैनेट्स आर मेड ऑफ गैसेस और कुछ जो प्लैनेट्स हैं वो किससे बने हुए हैं गैसेस से बने हुए हैं दे आर कोल्ड जोवियन और गैसियस प्लैनेट्स उनको क्या बोला जाता है गैसियस प्लैनेट्स जुपिटर सैटर्न यूरेनस एंड नैपचून आर गैसियस प्लैनेट्स ये जो हैं गैसियस प्लैनिट्स हैं कौन कौन से जूपिटर सैटन यूरेनस एंड नैपच्यून जोवियन मीन्स जूपिटर लाइक प्लैनट्स क्लोजर टू द सन आर वेरी होट जो प्लान सन के बिल्कुल पास होते हैं वो क्या होते हैं काफ़ी गर्म होते हैं वेल दोज फर्दर अवे आर वेरी कोल्ड और जो दूर होते हैं उन्हें वो काफ़ी ठंडे होते हैं हैंस देयर सीम्स टू बी नो लाइफ ऑन एनी अदर प्लेनेट एक्सेप्ट ऑन अर्थ और इसमें बताया गया कि अर्थ के अलावा किसी भी प्लेनेट पर लाइफ नहीं एक्सपेक्ट की जा सकती ओके फॉलोइंग कंडीशंस कंट्रीब्यूट टू द डिफरेंस बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड जोवियल प्लैनेट्स यहाँ पर आपको जो है कुछ कंडीशंस दी हुई हैं जिसके अकॉर्डिंग डिफरेंस देखा जा सकता है टेरेस्ट्रियल एंड जोवियल प्लैनेट्स में द टेरिस्ट्रियल प्स वॉर्म नियर द सन जो टेरिस्ट्रियल प्लान हैं वो कहाँ होते हैं सन के पास वेर आर जोवियल प्लान वर फॉर्म्ड एट फर्दर डिस्टेंसेज और जो, जो जोवियल प्लान हैं वो सन से काफ़ी दूरी पर होते हैं द सोलर विंड वॉज मोस्ट इंटेंस नियर द सन विच ब्लू और फ्लोट्स ऑफ गैसेज एंड डस्ट फ्राम द टेरिस्ट्रियल प्लैनिट्स फादर अवे इट वॉज वेरी वीक एंड कूड नॉट रिमूव गैसेज फ्राम jovian jovian प्लैनिट्स मतलब जो सोलर विंड होती हैं वो सन के पास काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में जो है वो चलती हैं which blew off लोट्स of gases काफ़ी सारी gases को जो है अपने साथ लेकर चलती हैं एंड dust from the terrestrial planets gases को और dust को terrestrial प्लान से अपने साथ लेकर चलती हैं फादर अवे इट वॉज़ वेरी वीक और काफ़ी दूर तक ये जो है थोड़ी वीक हो जाती हैं एंड कुड नॉट रिमूव गैसेस फ्रॉम द और जोवियन प्लैनेट्स से गैसेस को रिमूव नहीं कर पाती ओके द टेरेस्ट्रियल प्लानिट्स आर स्मोलर इन साइज जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं वो साइज़ में छोटे होते हैं एंड हैव लो ग्रेविटेशनल पुल और जो ग्रेविटेशनल पुल होता है इसमें कम होता है एज सच दे कुड होल्ड द दिंग एस्केपिंग गैसेज और ये क्या नहीं होल्ड कर सकती एस्केपिंग गैसेज को जितनी भी गैसेज होती हैं उन्हें होल्ड नहीं कर पाती द सोलर सिस्टम वॉज फॉर्म्ड फ्राम आ ह्यूज गैसियस मास कोल्ड नैबोला जो सोलर सिस्टम है वो फॉर्म होता है बनता है किसे गैशियस मास से जिसको क्या बोला जाता है नैबुला इट्स को लैप्स एंड कोर फॉर्मेशन बिगिन अबाउट फाइव टू फाइव पॉइंट सिक्स बिलियन ईयर्स एगो एंड द प्लानट्स वर फॉर्म्ड अबाउट फोर पॉइंट सिक्स बिलियन ईयर्स एगो इसमें आपको क्या बताया नेबुला के बारे में बताया गया कि इसकी जो फॉर्मेशन है वो स्टार्ट हुई थी फाइव टू फाइव पॉइंट सिक्स बिलियन साल पहले और जो प्लैनेट्स हैं वो कब बन गए थे फोर पॉइंट सिक्स बिलियन ईयर्स है गो साल पहले क्लियर उसके बाद आपको बोला गया है द मून मून क्या है सेटेलाइट है द अर्थ हैज़ ओनली वन सेटेलाइट कोल द मून अर्थ की जो है एक सेटेलाइट है जिसे मून बोला जाता है साइंटिस्ट हैव कम आउट विद वेरियस थ्यूरीज रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द मून और जो काफी सारे साइंटिस्ट हैं उनकी अलग अलग हाइपोथिस है हैं या थ्योरीज हैं मून के रिगार्डिंग मून की स्टार्टिंग कैसे हुई इन द ईयर एटीन फिफ्टी एट सर जॉर्ज ड्रॉइंग ओपनड दैट द अर्थ एंड द मून फॉर्म द सिंगल बॉडी विच वॉज रोटेटिंग एट अ हाई स्पीड द होल मास एज्यूम

डम बेल की तरह जो मिडिल से तो नैरो होता है और एंड में आकर वो ब्रोड हो जाता है इट इवेंचुअली ब्रोक ये जो है इवेंचुअली टूट जाता है ब्रोक डाउन हो जाता है ई ऑल्सो सजेस्टेड दैट मून वॉज फॉर्म्ड बाय द मटेरियल विच गोड सेपरेटेड फ्रॉम द अर्थ और उन्होंने ये सजेस्ट किया कि जो मून है वो उस मेटीरियल से बनता है जो अर्थ से सेपरेट हो जाता है दिस गोज अ डीप होलो इन द अर्थ विच इज नाउ ऑक्युपाइड बाय द पैसेफिकन और इसी की वजह से एक डीप होलो जो है होल जो है वो अर्थ में हो जाता है जिसको, जिसको अब किसके थ्रू ऑक्यूपाई किया गया है पैसिफिक ओशियन के थ्रू क्लियर द प्रेजेंट साइंटिस्ट डिस एग्री विद द अबव मैं ओपिनियन लेकिन आज के टाइम के जो साइंटिस्ट हैं वो इस ओपिनियन से एग्री नहीं होते दे बिलीव दैट द फॉर्मेशन ऑफ मून इज द रिजल्ट ऑफ जॉइंट इंपेक्ट और द बिग प्लेट मतलब वो इस एग, इस थ्योरी से एग्री नहीं होते वो अलग ही अपना एक व्यू देते हैं पॉइंट ऑफ व्यू उनका अलग ही है कि जो फॉर्मेशन ऑफ मून है वो जाइंट इंपैक्ट का एक मतलब रिजल्ट है अ हेवनली बॉडी ऑफ साइज ऑफ वन टू थ्री टाइम्स दैट ऑफ मार्स collided with the earth immediately after its formation it blasted a large part of the earth into the space the blasted material started orbiting around earth and ultimately assumed the shape of moon उन्होंने बोला कि एक heavenly body जो है काफी बड़े size की थी जो अर्थ के immediately मतलब बाद में आई आफ्टर इट्स फॉर्मेशन अर्थ के बनने के बाद जो है बाद में आई और ये एक ब्लास्ट हो जाती है काफी बड़े पार्ट में और अर्थ इनटू द स्पेस मतलब अर्थ पर ये एक ब्लास्ट होने के बाद काफ़ी बड़े पार्ट में यहाँ पर हमें दिखती है ब्लास्टेड मटेरियल स्टार्टेड ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ और जो ब्लास्टेड मटेरियल होता है ब्लास्ट होने के बाद जो मटेरियल बच जाता है वो क्या करता है अर्थ के अराउंड जो है राउंड uh, करता है अल्टीमेटली अज्यूम द शेप ऑफ मून और उसके बाद जो है वो किसकी शेप ले लेता है मून की शेप ले लेता है दिस हैपन अबाउट 4.44 बिलियन ईयर्स एगो और ये कब हुआ था 4.44 बिलियन ईयर्स एगो क्लियर तो इसमें आपको मून के बारे में बताया गया मून सैटेलाइट के बारे में बताया गया तो आज आपने क्या करना है इस टॉपिक को अच्छे से रीड करना है आर सोलर सिस्टम उसमें हमारे एट प्लैनेट्स जो दिए हुए हैं उनके बारे में अच्छे से क्लियर करना है और जितने जैसे इसमें आपको मून सेटेलाइट के बारे में बताया गया उसको रीड करना है ओके ओके बेटा हैव अ नाइस डे